शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या केक बनाया मैंने अपनी बेटी के लिए? आज स्कूल में हमारा फेयरवेल डे है। बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड की विजेता हैं प्रिया। हद हो गई यार, कोई रुक ही नहीं रहा है। चलो चलो चलो, सब लोग नाश्ता तैयार हो गया है। विक्रम, कबीर, बॉबी, सब लोग आ जाओ। मिस्टर गुलशन बख्शी, तुम भी। हे भगवान। मम्मी, बहुत भूख लगी है। कैंटीन जाना है, बाजार से सामान लेकर आना है। मॉम, क्या बनाया खाने के लिए? मॉम, क्या हुआ मॉम? ओह नो। फिर केक? नाश्ता करेंगे। तीसरी बार केक। कबीर, बॉबी, किधर हो यार तुम? अरे सर, आज प्रिया आ रही है। कौन कौन जा रहा है मेरे साथ स्टेशन? सब लोग जा रहे हैं ना? व्हाट अ केक, अच्छा लग रहा है ना? चेरीज डिजाइन क्रीम। क्या केक बनाया मैंने अपनी बेटी के लिए। क्या बात है, तुम लोग चुप क्यों? अरे आज तो तुम लोगों को खुश होना चाहिए। आज 6 महीने के बाद प्रिया बेटी घर पर आ रही है। आते ही पूरा घर आसमान पर उठा लेगी और ना जाने क्या क्या करेगी। हा? वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ डैड, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। कुछ नहीं क्या मतलब? आज तारीख कौन सी है? 5। जी नहीं, आज 3 तारीख। ये तुमने तीसरी बार किया है गुलशन। हर बार भूल जाते हो और फिर एक एक बना के रख देते हो। हेलो, हम सब जानते हैं कि तुम प्रिया से बेहद प्यार करते हो। हाँ, एक मिनट डैडी से पूछ के बताता हूँ। डैडी, अंजू का फोन है, वो पूछ रही है कि आप उसको स्टेशन के बाहर मिलेंगे अंदर। ओह माय गॉड, तो तुमने उसकी सहेलियों को भी बता दिया कि वो आ जा रही है? ये बोलो नहीं। हेलो, एक मिनट डैडी आ रहे हैं। अरे यार, कदा कहीं का। हेलो अंजू, सॉरी बेटे, थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। वो आज नहीं आ रही है, कल आ रही है। अरे कल नहीं, परसों आ रही है। अच्छा, वो कल नहीं परसों आ रही है। कबीर, तुम भी पागल हो क्या? डैडी, हम हमेशा आपसे सही कहते हैं, आप ही भूल जाते हैं। हाँ भाई, भूल गया था, भूल गया था। कबीर, उठो उठो। इस कुर्सी पर क्यों बैठे हो? जानते हो ये प्रिया की कुर्सी है, इस कुर्सी पर किसी को बैठने की इजाजत नहीं है, जानते हो ना? सॉरी 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 प्रिया, मुझसे गलती हो गई। मैं ये भूल गया था कि तुम यहाँ नहीं हो, लेकिन फिर भी यहाँ हो। हाँ यहाँ है, यहीं पर है। अजय, स्टेशन जाने के लिए आयो? Yes, of course. Very good, आओ। चले? Yeah, yes, yes. Daddy, uncle, चले स्टेशन? क्या चले? अजीब आदमी हो। आज 5 तारीख है क्या? जी नहीं। तो फिर ये फूल वो लेकर क्यों चले आए? प्रिया परसों आ रही है। तुमसे किस गधे ने कह दिया कि प्रिया आज आ रही है? जी। बोलो ना, बोलो। जी, आप ही ने तो कहा था कि घर आ जाना, साथ में स्टेशन चलेंगे। मैंने वो क्या है ना कि ये लोग हमेशा मुझे गलत बात बता देते हैं। प्रिया परसों आ रही है, समझ गए ना बेटा? जी हाँ। बोल क्या चुती है? ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। हाँ। अरे इला को क्या हुआ? इला? 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 क्या हुआ इला? इला? अब तक कहाँ थी तू? इला? बता ना। वाइस प्रिंसिपल ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। क्यों? उसने मुझे मैं सब समझ गई। साला लेच पर्वर्ट, हमेशा लड़कियों का फायदा उठाने की कोशिश करता है। किसी न किसी बहाने उन्हें अपने कमरे में बुला लेता है। साला लेच। इला क्या हुआ? स्टुपिड इडियट बेशरम। अच्छा मैं वहां से भाग गई। भाग क्यों आई? मैं तेरी जगह होती ना, ऐसा थप्पड़ मारती जिंदगी भर याद रखता। कहना आसान है प्रिया, वो वाइस प्रिंसिपल है, चेयरमैन तक उसकी पहुंच है, इसलिए तो अपने प्रिंसिपल साहब भी उसे दबते हैं। वो दबते होंगे, मैं नहीं दबने वाली। थप्पड़ तो मैं जरूर मारती। अच्छा छोड़ ना ये सब चक्कर, चल हम अपना गेम खेलते हैं। आजा इला, तू भी आजा। चल ना। प्रिया, प्रिया, अब आए ना उस पहाड़ के नीचे। अब बोल क्या चुनती है, ट्रुथ या डेयर?
जल्दी बोल, रुको यार, जल्दी बोल। बोलती हूँ। अच्छी तरह से सोच ले प्रिया, जो हम कहेंगे ना वही करना पड़ेगा। अच्छा बोलो क्या करना है, खिड़की से छलांग मारनी है? नहीं। ठंडे पानी से नहाना है? नहीं। मैस से काजू चुराने हैं? नहीं। तो फिर क्या करना है? मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगी। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ इला बताएगी। कम ऑन इला, गो अहेड। आज स्कूल में हमारा फेयरवेल डे है, हमारी विदाई का आखिरी फंक्शन। वहाँ प्रिंसिपल साहब होंगे, टीचर्स होंगे, पेरेंट्स, ट्रस्टीज और स्टूडेंट्स भी होंगे, और वो वाइस प्रिंसिपल भी होगा। बस इन सब के सामने तुझे जाके उस साले को एक थप्पड़ मारना है। ओह नो! मधुबन स्कूल के वार्षिक महोत्सव पर आप सभी का स्वागत है। आज पूरे भारतवर्ष में मधुबन स्कूल एक आदर्श स्कूल के नाम से जाना जाता है, और ये बड़े गर्व की बात है। उल्लू का पट्टा, 15 वर्षों में कमीना कुत्ता स्कूल ने प्रिया के कई पायदान से थप्पड़ मारना है, और अब बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड के विजेता हैं प्रिया, प्रिया, प्रिया। जी हाँ, आपने ठीक कहा, मिस प्रिया बख्शी। जाओ प्रिया, कम ऑन, और याद रखो डेयर। Come on, Priya, dare. Come on, dare. Priya, उसे थप्पड़ जरूर मारना। Come on, Priya, dare. Priya, dare. 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 मैं मधुबन स्कूल की तरफ से प्रिया को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं प्रिया, कि प्रिया जहां भी जाएगी मधुबन स्कूल का नाम रोशन करेगी। कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। कांग्रेचुलेशन प्रिया। प्रिया कांग्रेचुलेशन। मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि वो प्रिया और नंदिनी सेन जैसी लड़कियों के आदर्शों को सामने रखें और मधुबन स्कूल का नाम रोशन करें, और मैं ये भी चाहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और क्या बात है प्रिया, कुछ कहना चाहती हो? यस सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना भूल गई थी। ये क्या, ये क्या बदतमीजी है सर? Yes! What the bloody hell is this? मैंने जो किया है मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। मैं जानती हूं कि हमें अपनी टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए, उनका आदर और सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये आदमी हमारे टीचर बनने के लायक ही नहीं है। इनकी गंदी और घिनौनी हरकतों से पूरा स्कूल वाकिफ है। ये किसी न किसी बहाने मासूम लड़कियों को अपने कमरे में बुलाते हैं और उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और आज जब इन्होंने मेरी सहेली के साथ भी यही करना चाहा, तब हम सब ने फैसला किया कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, शायद मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, किसी भी कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा और मेरा करियर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और आगे भी मैं वही करती रहूंगी जिंदगी भर। आज इस लड़की ने जो कर दिखाया है इस पर गर्व है मुझे, और अब मैं भी प्रिया की तरह नतीजे की कोई परवाह किए बिना मिस्टर गुलाटी को सस्पेंड करता हूं और इनके खिलाफ इंक्वायरी का ऑर्डर देता हूं।
अरे इतनी जल्दी 6 बज गए? अभी अभी तो सोए थे। अभी 6 नहीं बजे, अभी 2 बजे हैं। मैंने 2 बजे का अलार्म लगाया था। 2 बजे का क्यों? अरे भूल गई, आज 5 तारीख है, अपनी प्रिया आने वाली है। लेकिन वो तो 7 बजे की ट्रेन से आने वाली है। सो जाओ। ये मेरी घड़ी में 2 बजे का अलार्म किसने लगाया? भैया हमारी घड़ी में भी किसी ने 2 बजे का अलार्म लगा दिया है। तो किसने लगाया? पापा ये हरकत आपकी है? प्रिया चक 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 स्टेशन जाना है, 7 बजे की ट्रेन है। पापा मॉर्निंग अंकल। अजय तुम, यू आर लेट। गाड़ी 7 बजे की है और तुम 7:10 पर आए हो। लेकिन गाड़ी तो अभी तक आई नहीं अंकल। तो क्या हुआ अगर गाड़ी वक्त पर आ जाती तो? लेकिन ये गाड़ी कभी तुम पीठ के पीछे क्या छुपा रहे हो बेटा? कुछ नहीं अंकल। कुछ नहीं छुपा रहे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बताओ बेटा क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। बताओ बताओ। माय गॉड, तुम्हारा गुलदस्ता मेरे गुलदस्ते से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसे तुम रखो। बेटी तुम्हारी आ रही है या मेरी आ रही है? आपकी बेटी आ रही है अंकल। टेंशन, एक सूचना, शिमला से आने वाली डाउन ट्रेन लैंडस्लाइड होने के कारण 8 देरी से आएगी। ओह माय गॉड, 8 लेट, कमाल है। लैंडस्लाइड को भी आज ही होना था। अंकल हम चले वहां। कहां? लैंडस्लाइड की जगह। पागल हो गए हो क्या? हमें क्या पता लैंडस्लाइड कहां हुआ है। ओ हां हां, तुम तो प्रिया को बचपन से जानते हो। अरे लैंडस्लाइड हो या अर्थक्वेक, प्रिया आज यहां जरूर पहुंचेगी, देख लेना। लिफ्ट, लिफ्ट। ओह नो। हद हो गई यार, कोई रुक ही नहीं रहा है। अब देखती हूँ ये वाला कैसे नहीं रुकता है। अरे रूसी जल्दी चलनी, फिर लगन में अपने को देर हो जाएगा ना। हाँ पर जल्दी क्यों नहीं जाऊँ? अरे रास्ता नहीं वस्मा बोला छोकरो जो नहीं। अरे छोकरो नहीं, छोकरी से छोकरी। अरे छोकरी से बने हाथ का हलावे। हाथ नहीं, लिफ्ट मांगे। चिल्ली लिफ्ट मांगे, उसको लिफ्ट दे देना। अरे नहीं नहीं, कचरा ना डब्बा ने लिफ्ट आपू ने मारी गाड़ी गंदी थी जैसे। ए हट, रास्ता नहीं वशमा जी हट। हट नहीं तो गाड़ी ऊपर चला भी नहीं। बाप रे, तू डेरिंग लड़की छे, छल्ली मिनी जी कुड़ी मारी। रुस्तम गाड़ी रोक। काहे काहे? रुस्तम एने लिफ्ट आप। अरे एने लिफ्ट आपू ने मारी गाड़ी गंदी थी। रुस्तम नहीं तो मैं भी कूदती हूँ। अरे अरे अरे, शू करे शू करे। हवे जो पहले पोरी हमारी गाड़ी गंदी की थी ने, तो हूं पण कुड़ी मारी दे बस। हाँ देखो छोकरी, गाड़ी में किधर भी हाथ मत लगाना, नहीं तो मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी। अरे छोकरी तेरा नाम क्या है? प्रिया। क्या? प्रिया। क्या? प्रिया। खुदाई जी चाय भी ना। ओ ओ ओ, ए खुदाई, वो लड़की ने क्या चीख मारी कि पूरा डरक रस्ते पे गिर गया। रुस्तम, वो लड़की का चीख से थोड़ी हो गया, ये तो मौसम ही ऐसा है ना। मौसम ऐसा लेकिन मगर आगे आगे जाएंगे कैसे, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। डोंट वरी अंकल, मुझे एक रास्ता पता है, शॉर्टकट। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे शॉर्टकट बटकट में मेरे को कोई भरोसा नहीं है। मालूम नहीं उधर क्या डेंजर होएगा। नहीं नहीं, बहुत सेफ है। तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर मैं नहीं जाऊंगा। तो रुस्तम क्या करेंगे, इधर ही बैठे रहेंगे क्या? तो मैं क्या करूं? अगर छोकरी बोलती है उसको शॉर्टकट मालूम है और सेफ है तो चालनी। हाँ, चलो चलो चलो। मेरा गाड़ी, मेरा गाड़ी को गंदा कर दिया, पूरा सत्यानाश कर दिया तेरी वजह से। रूसी चालनी 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 चाल, पर गाड़ी चलने के नहीं जुड़े नहीं।
बहुत अच्छा शॉर्टकट है अंकल। अभी मालूम पड़ेगा। माय गॉड, ये किधर पहुंच गए हम? गाड़ी क्यों रोक दी अंकल? आगे चलाइए ना। अरे आगे कैसे चलाऊं? आगे तो रास्ता ही नहीं है। है मुझे पता है, देखिए वो रास्ता, यहाँ से वहाँ तक शॉर्टकट है। सू गेला गांडा नहीं जेम वाट करे। अरे ये मेरा गाड़ी है, कोई हवाई जहाज नहीं है, समझी? रूसी रूसी छोकरी ने बैसवा दे, तू पीछे जा। ए, मारी गाड़ी ने कोई हाथ नहीं लगा हुए, ये गाड़ी चलेगी सिर्फ मेरे हाथ से। चलो डार्लिंग चलो। ओ गुनाह, देखा तेरी लड़की की ये शॉर्टकट ने मेरे को पानी में लाके रख दिया। मेरी गाड़ी को क्या बोझ समझा है? अब मैं आगे कैसे जाऊं? अंकल आप आराम से जा सकते हैं, पानी इतना गहरा नहीं है। वो देखो आगे रास्ता है। हा? देखो हाँ। ये पानी को तुम रास्ता बोलती है? शट अप शट अप। रूसी सू शट अप करे छे। छोकरी बोलती है रास्ता है तो रास्ता है, चलो क्रॉस करो। क्रॉस करो? ये इंग्लिश चैनल को क्रॉस करूं? हां रूसी क्रॉस करो। ये ले क्रॉस किया, अभी चलता हूं मैं। एक खुदा अंकल थोड़ा राइट लेना ना। राइट अंकल, राइट। रूसी छोकरी बोलती राइट तो राइट लेना। अरे मैं कहाँ गाड़ी चला रहा हूँ, आई एम नॉट ड्राइविंग। ये तो खोदाई जी गाड़ी चला रहा है, और ऊपर से राइट भी इतना ही गहरा है जितना के लेफ्ट। आप परवीन के शादी में कैसे पहुँचेंगे? अगर परवीन के शादी में नहीं पहुँचेगा तो उसके डाइवोर्स में तो जरूर पहुँचेंगे। अगर उधर नहीं पहुँचे तो ऊपर तो डेफिनेटली पहुँचेंगे। देख 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 देख, लेफ्ट साइड कुछ टिल्ट हो रहा है। तेरे को कितनी टाइम बोला डाइटिंग कर डाइटिंग कर। I am sorry, darling. Thank you, auntie. Thank you, uncle. Station pass में है, मैं चली जाऊंगी। Bye bye. नहीं नहीं। ये सफर मुझे हमेशा याद रहेगा। मेरे को भी भूलेगा नहीं कभी। Bye bye. Papa, papa, papa. हाय हाय, बेचारी किसी भिखारी की बेटी है, लगता है अपने बाप को ढूंढ रही है। पापा कहीं है? प्रिया तो नहीं है? आपको ढूंढ रही है? पापा! ओ प्रिया! अंजू अंजू रुक तो सही। अरे रुको रुको। अब पकड़ में आई? अच्छा यार मेरा हाथ तो छोड़, दर्द हो रहा है। प्रिया पता है, वैसे तो मुझसे बड़ा कहती रहती है कि नीना अजय मुझे लिफ्ट नहीं देता, मुझसे दूर भागता रहता है। बता नीना मैं क्या करूं? अच्छा तो ये नया डेवलपमेंट है, अंजू का चक्कर अजय से। यार चक्कर वक्कर कहां, अभी तो सिर्फ वन वे ट्रैफिक है। क्यों टू वे क्यों नहीं हुआ? यार मैंने उसे पटाने की कितनी कोशिश की लेकिन वो मेरी तरफ देखता ही नहीं है। फिकर ना अंजू, अब मैं आ गई हूँ ना, ऐसा चक्कर चलाऊंगी, ऐसा घुमाऊंगी कि वो तेरा दीवाना हो जाएगा। प्रिया दीदी तुमने सुना कि नहीं? क्या आज एक जबरदस्त एक्शन सीन होने वाला है। कहाँ? इस पहाड़ के पीछे। साहब राहुल तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी मां हूं, कितनी बार कहा ऐसे खतरनाक खेल मत खेला करो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो।
हुआ तो नहीं ना? ठीक है नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूं कि आइंदा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? मुझे तुम्हारे लड़कियों के साथ घूमना फिरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी इससे प्यार, कभी उससे प्यार, ये सब क्या है? मैं किसी से प्यार नहीं करता। लेकिन घूमते फिरते तो हो ना सबके साथ। आज से ये सब बंद। और एक बात और, आज से तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम कोई खतरनाक खेल नहीं खेलोगे। राहुल तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूं? राहुल जवाब दो, राहुल! 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 इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता बेटे। तुम्हारी माँ तुम्हारे भले के लिए कह रही है, उसे समझने की कोशिश करो। जाओ उसे माफी मांगो। कम ऑन। सॉरी मॉम। So I'll see you in the canteen at 4. Yeah. देखो प्रिया, ये तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है। ऑल द बेस्ट, ओके? थैंक यू भैया। अंजू, हाय प्रिया, हाउ आर यू? गुड। अच्छा तुम्हें पता क्या हुआ? क्या? डू यू रिमेम्बर दैट गाय? वो सिंगर? या ऑफ कोर्स। सुखराम, ये सामान अभी तक बाहर क्यों पड़ा है? अंदर क्यों नहीं रखा? साहब जी, वो स्टोर का दरवाजा अंदर से बंद है साहब जी। क्या? दरवाजा अंदर से बंद है? कौन है अंदर? राहुल, कम ऑन आउट। चलो इसी वक्त बाहर निकलो। आई सेड कम आउट। क्या हुआ विकी, इतना हंगामा क्यों कर रहे हो यार? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां घुसने की? ये मेरे काम की जगह है, कोई घटिया या बाजारो होटल नहीं है। अपनी ये जो घटिया हरकतें हैं ना, कहीं और जाकर करो, समझे? कम ऑन विकी, ये सब तो होता रहता है यार। लेकिन अगर तुझे नहीं पसंद तो आगे नहीं होगा, ओके? कम ऑन तानिया, एक सेकंड, मैं भी आया। विकी, वो लड़की कौन थी यार जिसके साथ तुम आज सुबह कॉलेज आए थे? क्यों, तुम्हें उससे क्या मतलब है? ओ, ऐसे ही पूछ रहा हूं। वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, मैं उसे मिलना चाहता हूं। ए राहुल, उस लड़की से तुम दूर ही रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अच्छा, मुझे तो बड़ी चालू दिख रही थी। कल रात किसी और लड़के के साथ, आज सुबह किसी और लड़के के साथ। वो लड़की मेरी बहन है नवाबजादे। तूने अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं वहीं खोद कर तुझे गाड़ डालूंगा। मेरी बात समझ आ रही है ना तुझे? विकी, तुम तो जरा सी बात पे भी भड़क जाते हो यार। जस्ट रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे हर लड़की किसी ना किसी की बहन तो होती है ना। तुमसे नहीं लड़ना चाहता। देखिए भैया, मेरी बात तो सुनो। तुझे बोला था ना मेरी बहन के साथ बात नहीं करने के लिए। कोई कसूर नहीं है भैया। बहुत हो गया विकी। भैया, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता।
अच्छा क्या करेगा तू? मत मारो। प्लीज भैया। स्टॉप इट। प्लीज भैया छोड़ो। स्टॉप इट। प्लीज। हटो पीछे। प्लीज। आई से स्टॉप इट। हटो पीछे। क्या हो रहा है ये सब? कैंपस के अंदर मारपीट? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ओ माय गॉड, ही इज ब्लीडिंग। इसे फौरन अस्पताल ले जाओ। विकी तुम मेरे ऑफिस में आओ। आप लोग अपनी अपनी क्लासेस में जाइए। जाइए। ये सरासर गुंडागर्दी है। एक बाहर का लड़का आकर स्टूडेंट को मारता है, और वो स्टूडेंट कोई और नहीं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा। अरे उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई? कौन है कौन वो? एक मामूली सा कैंटीन वाला। उसने मेरे बेटे को इतना मारा कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। इसीलिए मैंने पुलिस को भी बुला लिया है। प्रिंसिपल साहब, हम सब ट्रस्टीज चाहते हैं कि आप फौरन कोई एक्शन लें। हम चाहते हैं कि आप उस कैंटीन वाले का लाइसेंस फौरन रद्द करें और पुलिस को इस कैंपस में आने की इजाजत दें, ताकि उस गुंडे को गिरफ्तार किया जा सके। प्रिंसिपल साहब देखिए, प्रिंसिपल साहब आप मेरी बात तो सुनिए। प्रिंसिपल साहब आप मेरे बेटे का लाइसेंस रद्द करवा दीजिए, लेकिन उसे अरेस्ट मत करवाइए प्लीज। मिस्टर बख्शी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपको जो कहना है उनसे कहिए। शुभना जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप मेरे बेटे को कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन उसे पुलिस से बचा लीजिए। देखिए देखिए, हमारी इज्जत का सवाल है। शुभना जी प्लीज। ये बात आपके लड़के को पहले सोचनी चाहिए थी। मगर अब उसने जो किया है उसे भुगतना पड़ेगा। शुभना जी मेरी बात तो सुनिए प्लीज, समझने की कोशिश करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए शुभना जी प्लीज। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए? लेकिन आपकी मम्मी ने ही तो केस दर्ज किया है मिस्टर मोदी। लेकिन ये झगड़ा हम दोनों के बीच में हुआ है इंस्पेक्टर साहब, और मैं कोई केस दर्ज नहीं करना चाहता। राहुल तू ये क्या कह रहा है? उसने तुझे इतना मारा और तू इसे यूं ही छोड़ देगा? हाँ बिल्कुल नहीं, मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी, जेल भिजवाऊंगी। आप मेरे मामलों में दखल मत दीजिए इंस्पेक्टर साहब। इन्होंने मुझे पहले ही वार्न किया था, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। गलती इनकी नहीं, मेरी है। राहुल। मॉम प्लीज। सर आप इन्हें जाने दीजिए। सॉरी मैडम, जब इनकी कोई कंप्लेन ही नहीं है तो मुझे इसे छोड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू बेटा। आइए बख्श साहब, आप मेरे साथ आइए। I'm sorry, Vicky. दोबारा ऐसा नहीं होगा। भैया, गॉड क्या हुआ? मुझे अजय से बहुत जरूरी बात करनी है, वरना अंजू मुझे मार डालेगी। अरे सुनो मैं। अजय, अजय रिया इधर आओ। एक बात पूछूं अजय, सच सच बताओगे? हाँ पूछो। तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की वड़की है? लड़की? हाँ लड़की, गर्लफ्रेंड, लवर। अब क्या बताऊं, है भी और नहीं भी। उफ अजय, शायर मत बनो, सच सच बताओ, है या नहीं? है तो सही, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ पक्का पता नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ वो लड़की तुमसे बहुत 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 प्यार करती है। सच? क्या बात कर रही हो? वो तुम पे जान छिड़कती है। रियली? आई स्वेयर। क्या तुम उससे अकेले में मिलना चाहोगे? हाँ ऑफ कोर्स। कब, कहाँ, किधर, कैसे? उफ अजय इतने उतावले मत हो। मैं तुम्हें आज शाम को फोन करूंगी, ओके? अंजू! क्या हुआ? तेरा मामला फिट हो गया है। आज शाम को तू अजय से मिलके अपनी सारी दिल की बातें कह डालना। यस, यस, ओके? यस।
अरे अंजू, तुम ये क्या कर रही हो? What do you mean, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अभी तो तुम मुझे गले लगा रहे थे, मेरे साथ गाना गा रहे थे। गाना गा रहा था मैं तुम्हारे साथ? तभी तो मुझे पता चला कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। प्यार? अब देखो तो अंजू, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। हाँ नहीं अजय, अजय अजय मेरी बात सुनो, अजय अजय प्लीज ऐसा मत करो, मेरा दिल टूट जाएगा। अजय प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड अंजू, मैं किसी और से प्यार करता हूँ अंजू, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है। आई एम रियली सॉरी, हां प्लीज प्लीज बाय बाय। लेकिन अजय रो मत अंजू, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? गले लगाते गाना गाते और फिर कहते कि मुझसे प्यार नहीं करता। हाउ मीन दैट। पता नहीं किससे प्यार करता है। होगी कोई, तू फिक्र क्यों करती है, मैं जो हूँ ना, बस तू रो मत। प्रिया, गेट अप एंड गो आउट ऑफ द क्लास। मैम प्लीज। गेट आउट मैम। हाय राहुल। हाय। उस दिन तुमने जो किया ना, बहुत अच्छा था। मैं तो उसी वक्त तुम्हारा थैंक्स करना चाहती थी, पर मौका ही नहीं मिला। सच सच बताऊं, अगर उस दिन तुम नहीं होते ना तो राहुल, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। राहुल तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ तुम दूर भाग जाते हो। इट्स सो इंसल्टिंग यू नो, आखिर इसकी वजह क्या है? देखो प्रिया, तुम्हारी इंसल्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। दरअसल मैं तुम्हारे भाई विक्रम को और नाराज नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लेकर उसके और मेरे बीच में और झगड़ा या मारपीट हो, इसलिए बेहतर है कि मैं तुमसे दूर रहूं। राहुल क्या सिर्फ यही एक वजह है कि तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते, मुझसे दूर भागते हो? सच सच बताऊं, जानना चाहोगी तुम? हाँ। तुम बहुत खूबसूरत हो प्रिया, बहुत ही अट्रैक्टिव। तुम में कुछ है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। तुम सोच भी नहीं सकती कि किस हद तक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पहली मुलाकात से तुम मेरे दिल और दिमाग में बसी हो। तुम्हारी मौजूदगी में मैं अपने आप को संभाल नहीं सकता और इसी बात से मैं डरता हूँ। इसलिए बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। एक और बात कहूँ प्रिया, तुम इस येलो ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। इत्तेफाक से यह मेरा फेवरेट कलर है। क्या पहनू, कौन सा वाला पहनू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छी, ये तो बहुत ही गंदा है। गुड मॉर्निंग प्रिया। इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग पापा, इट्स अ वेरी बैड मॉर्निंग, प्लीज लीव मी अलोन। ओके पापा प्लीज। आई एम सॉरी। रोहिणी क्या बात है, ये प्रिया का मूड आज सुबह सुबह ऑफ क्यों है? उसके कॉलेज में फंक्शन है और आपकी लाडली की जिद है कि वो उस फंक्शन में पीली ड्रेस ही पहनेगी। तो इसमें दिक्कत क्या, ला दो ना बाजार से एक ड्रेस। कल मैं उसे लेकर 4 घंटे घूमी हूँ बाजार में, लेकिन उसे तो कोई ड्रेस पसंद आता ही नहीं। अब वो मेरे पीछे पड़ी है कि मैं उसे अपनी पीली साड़ी दूँ, वो उसे काट कर ड्रेस बनाएगी।
मैं नहीं देने वाली कोई साड़ी वाड़ी। अरे दे दो ना, तुम्हारे पास तो इतनी सारी साड़ियां हैं। नहीं मैं क्यों दूं, वो पहनने की कुछ भी। अच्छा ठीक है, मगर बेचारी की। ओके बाय बाय। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे फूलचंद जी, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। प्रिया तुम्हारा इंतजार कर रही है और बहुत अच्छे मूड में है। Really? ओहो, कितनी अच्छी बात है, आज तुमने पीली शर्ट पहनी है। आज बेधड़क अपने दिल की बात कह दो, आज सब कुछ हो जाएगा। सोला देखो देखो प्रिया, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं ना। 14। हाँ, साथ साथ खेले हैं, साथ साथ बड़े हुए हैं। 10। याद है जब हम हॉपस्कॉच खेला करते थे, मैं तब से तुम्हें कहना चाहता था प्रिया कि 8। एक बात है, अब बात यह है कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे अजय, तुम्हारी मम्मी के पास कोई येलो साड़ी होगी? येलो साड़ी? हाँ बाबा, येलो साड़ी। येलो शर्ट चलेगी? शर्ट नहीं अजय, साड़ी, येलो साड़ी। बोलो है कि नहीं? हाँ हाँ, 4-5 साड़ियाँ हैं, लेकिन वेरी गुड, तो तुम फौरन जाओ और सभी की सभी साड़ियाँ ले आओ। वो तो लाता हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुनो एक मिनट प्रिया। अजय, बात सुनने के लिए पूरी जिंदगी बची है, बस तुम जाओ और साड़ी लेके आओ। अच्छा अभी लाता हूँ। नहीं तुम जाओ ना अजय, जाओ तुम जाओ। रुक जा बेटे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ले प्रिया, तू जीती मैं हारी, बना ले अपनी ड्रेस, जा। ओ मामा, यू आर ग्रेट। वो तो मैं हूँ भाई। अच्छा प्रिया, तुम्हारा काम तो हो गया है, मैं अपनी बात पूरी करूँ? ओ नो अजय, आज नहीं, फिर कभी प्लीज। प्रिया बंद करो ये रोना और हमारी बात सुनो बेटे। मामा आप विकी भैया को क्यों नहीं समझाते? राहुल वैसा लड़का नहीं है जैसे वो सोचते हैं। लेकिन तुझे कैसे पता? तू तो यहाँ अभी अभी आई है ना, मैं उसे 2 साल से जानता हूँ, सारी हरकतों से वाकिफ हूँ उसकी मैं। अरे कैंटीन में क्या क्या नहीं होता है मेरे सामने, सब कुछ देखा हुआ है मैंने पापा। देखो प्रिया, सिर्फ विकी ही नहीं, सबकी राय है कि राहुल अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए तुम उससे मिलना जुलना बंद कर दो। ये आप कह रहे हैं पापा, आपने तो खुद देखा कि उसने विकी भैया को पुलिस से बचाया था। तो क्या हुआ, गलती उसकी थी, मैंने तो उससे पहले कह दिया था कि मेरी बहन के नजदीक बताना, इसलिए मैंने उसे मारा। मैं तो उसकी कल भी टांगे तोड़ देता मामी, लेकिन मेरी बहन ही खुद उसके साथ घुसी हुई थी तो मैं क्या करता। देखो बेटी प्रिया, तुम्हारी उम्र बहुत ही खतरनाक है, इसमें अच्छे बुरे का भेद पता ही नहीं चलता। बेटा हम सब तुम्हारा भला चाहते हैं ना, इसलिए भगवान के लिए तुम उस लड़के से दोस्ती खत्म कर दो और आज हम सबसे एक वादा करो कि तुम फिर कभी उससे नहीं मिलोगी। चलो प्रिया, मैं क्या कह रही हूँ कुछ सुन रही हो तुम? प्रिया हम सब तुम्हारे अपने हैं और आज एक अजनबी तुम्हारे लिए हम सबसे ज्यादा हो गया। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उससे नहीं मिलूं तो प्रिया, राहुल प्रिया, प्रिया प्रिया क्या हो गया तुम्हें? क्यों मुझसे बात नहीं कर रही हो? मिलने से क्यों इनकार कर रही हो? प्रिया क्या हुआ तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं, कुछ तो जरूर हुआ है, तुझे मालूम है वो क्या करने जा रहा है? क्या? अपना वही पागलपन। और प्रिया इस बार तो उसका खेल बहुत ही खतरनाक है, जिसने भी कोशिश की है वो जिंदा नहीं बचा है। आई स्वेयर प्रिया पूरे शहर को मालूम है। प्रिया कहाँ जा रही हो? प्रिया मैम, क्या बात है? मैम प्रिया, राहुल प्लीज, राहुल प्लीज ऐसा मत करो, राहुल राहुल।
रिया, राहुल, I love you, राहुल, I love you. अरे अजय, देख प्रिया आ रही है। प्लीज उसे कह देना मैं यहाँ नहीं हूँ। अरे बेटा अजय सुन तो, क्या बात है? अरे मेरी बात तो सुन अजय। अजय, प्रिया तुझसे मिलना चाहती है। लेकिन मैं उससे नहीं मिलना चाहता माँ। आखिर क्यों बेटा? तू उससे बात तो कर, वो बहुत परेशान लग रही है। जा बेटा, जा। अजय मैं। लेकिन राहुल अच्छा लड़का नहीं है प्रिया, तुम्हारे साथ उसकी दोस्ती ठीक नहीं है। अजय तुम भी राहुल के बारे में गलत सोच रहे हो, समझने की कोशिश करो। अजय मैं घर अकेले नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ आओगे ना तो मुझे थोड़ा हौसला तो मिलेगा। प्लीज अजय प्लीज। आठ बज गए गुलशन, ये कहाँ रह गई लड़की, क्या हुआ होगा? गई होगी उस नवाबजादे के साथ घूमने। ये सारा कसूर आपका है पापा, आप ही के लाड प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया। वरना उसकी ये हिम्मत कि मेरी ही कैंटीन में मेरे सामने उस नवाबजादे के साथ निकल जाए। वह सब मौजूद थे पापा, सोचिए मेरी क्या हालत हुई होगी। आई एम अशेम्ड डैड। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा वीके, डोंट वरी। पता नहीं प्रिया को हुआ क्या है, उसने सबसे वादा किया। आने दो प्रिया को, आज मैं उसकी ऐसी खबर लूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। इसे मुझे संभालने दो, तुम अंदर जाओ, मैं कहता हूं तुम अंदर जाओ। चलो प्रिया। प्रिया, ये जो विक्की ने अभी हमें सब कुछ बताया, क्या वो सच है? जी। मना किया था ना तुमको, हम सबने समझाया था ना तुम्हें, फिर तुम इस लड़के से क्यों मिली? बोलो जवाब दो प्रिया, तुम हम सब की बेइज्जती कराने पर क्यों तुली हुई हो? एक्सक्यूज मी आंटी, प्रिया को एहसास है कि उसे गलती हुई है। आप सबको जो दुख पहुंचा है उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक वजह है। प्लीज आप लोग इसकी बात तो सुन लीजिए। ठीक है बताओ क्या वजह है। मैं राहुल से प्यार करती हूँ पापा। What?
पापा वो लड़का एक नंबर का बदमाश कबीना और फ्लर्ट है और ये कहती है वो उसे प्यार करती है। वो ऐसा लड़का नहीं है विकी भैया, वो बहुत अच्छा है, वो मुझसे प्यार करता है, हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। मैं तेरी जान ले लूँगा, क्या समझती है? आप मुझे मार डाले विकी भैया, मेरी जान ले लो, लेकिन आप समझते क्यों नहीं है मैं उससे प्यार करती हूँ। नहीं प्रिया, नहीं बेटे, नहीं नहीं बेटे, बस 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 बस। प्रिया बेटा, तुम्हें लगता है कि उस लड़के में कोई बुराई नहीं है? हाँ पापा। तुम्हें लगता है कि वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है जितना तुम करती हो? हाँ। तुम्हें पूरा यकीन है प्रिया? हाँ मामा। अगर मुझसे राहुल आकर कहता है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। सच पापा, वो यहाँ आ सकता है? आ सकता है। उसे जाके कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ अभी। हाँ बेटे। थैंक यू पापा। जा। थैंक यू अजय, आज तुम ना होते तो मम्मी पापा कभी मेरी बात ना मानते। प्रिया, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। ओ अजय, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू, बाय। मिस्टर राहुल मोदी, उन्हें बुला देंगे प्लीज? यस मैडम। साथ में डाइनिंग रूम है, उधर स्विमिंग पूल। एक मैडम राहुल साहब से मिलना चाहती हूँ। उनसे कह दो कि राहुल साहब घर पर नहीं। तुम रहने दो, मैं खुद बात करती हूँ। क्या बात है, राहुल से क्या काम है? मैं उसकी दोस्त हूँ आंटी, उससे अर्जेंट काम था। तुम वही लड़की हो ना जिसके पीछे उस दिन कॉलेज में झगड़ा हुआ था? तुम्हारे ही भाई ने मेरे बेटे को पीटा था, है ना? जी, लेकिन वो झगड़ा तो खत्म हो गया था ना। तो राहुल से कौन सा अर्जेंट काम आ गया? जी, एक पर्सनल काम था। समझ गई, तुम जैसी बहुत सी लड़कियां आती हैं यहाँ अपना रोना रोने के लिए, लेकिन ये प्यार व्यार का चक्कर इस घर से बाहर चलाओ। खास तौर पर तुम तो दोबारा इस घर की तरफ आने की जुर्रत भी मत करना, समझी? कैंटीन और होटल वाले इस घर के दरवाजे पे आने लग गए तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। राहुल से मिलना है तो बाहर मिलो, यहां नहीं। नाउ गेट आउट। I said get out! तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? राहुल, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। राहुल, मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम आओगे ना मेरे साथ? काफी रात हो चुकी है राहुल, पर कोई बात नहीं, चलो। प्रिया ने मुझे बताया कि
तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो। जी हाँ, सच बताया। साथ साथ घूमने फिरने भी जाते हो? जी हाँ। और एक दूसरे को काफी पसंद भी करते हो? जी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमें क्या इतराज हो सकता है। लेकिन राहुल बेटा, एक बार तुम्हें अपने माँ बाप से भी बात कर लेनी चाहिए। किस सिलसिले में? मैं कुछ समझा नहीं। देखो बेटा राहुल, हम ये नहीं कह रहे कि अभी हो, लेकिन पढ़ाई खत्म करने के बाद तुम दोनों तो शादी करोगे ही। शादी? नहीं आंटी, मैं प्रिया से शादी नहीं कर सकता। राहुल, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है अंकल, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, साथ साथ घूमते फिरते हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उससे शादी कर लूंगा। राहुल! क्यों? क्यों नहीं करोगे? नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो भाई? देखिए अंकल, पहली वजह तो यह है कि मेरे माँ बाप कभी राजी नहीं होंगे। वो बहुत क्लास कॉन्शियस हैं। वो चाहते हैं कि मेरी भी शादी एक ऊंचे और दौलतमंद घराने से की जाए। राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? प्रिया, चलो एक वजह तो तुमने बता दी, दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है अंकल कि मैं खुद प्रिया से शादी नहीं करना चाहता हूँ। राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? राहुल, अगर ऐसा ही था राहुल तो तुमने प्रिया से दोस्ती क्यों की? क्यों उसके पीछे पड़े? माफ कीजिए आंटी, मैं इसके पीछे नहीं पड़ा था, ये मेरे पीछे पड़ी थी। पूछ लीजिए इसे। अरे मैं तो हूं ही एक नंबर का फ्लर्ट, सारी दुनिया जानती है। कितनी सारी लड़कियों से मेरी दोस्ती है, क्या मैं सबसे शादी करता फिरूंगा? बहुत बकवास हो गई इसकी पापा। विकी, एक बार तुमने गलती की और मैंने तुम्हें माफ कर दिया, दोबारा कभी मत करना। तुम्हारी बहन तुम्हारी गलती की कीमत अदा कर चुकी है। और अंकल, जहां तक शादी का सवाल है, प्रिया बहुत ही डिसेंट लड़की है, जल्दी से एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। राहुल! प्रिया! राहुल! 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 क्या तुम्हारा प्यार सिर्फ एक दिखावा है? हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब झूठ था। क्या तुम्हारे दिल ने मेरे लिए कभी कोई प्यार महसूस नहीं किया? प्यार मेरे लिए खेल है प्रिया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं किया। राहुल, मैंने तो किया है, सच्चे दिल से किया है राहुल। छोड़ो प्रिया, प्यार दिखावा नहीं है राहुल, देख लेना तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगे राहुल। ये तुम्हारी दूसरी भूल होगी,